हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आप लोगों को प्लस माइनस का ये भी डिजाइन होने वाला है। और दोस्तों ये फैन के बीच में इस डिजाइन को आप बना सकते हो। और डिजाइन मतलब सिंपल में है, बाकी काफी अच्छा है और इसको बनाना भी आसान है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों का एक सेंटर निकाल लेना है अपना। चलिए ये मेरा सेंटर आ गया, ठीक है सेंटर आ गया। तो दोस्तों आप डिजाइन में देख सकते हैं कि इधर और इधर मतलब बीच में कुछ इस टाइप से गैप है, ठीक है दोनों साइड से बीच में जो है गैप है। और इस गैप को क्या करेंगे हम लोग, पहले निकाल लेंगे जितना हमको गैप रखना है उस गैप को उतना निकाल लेना है हमको। देखिए जैसे मान लीजिए कि जिसको नाप लेते हैं, जैसे कि मैं, चलिए हम निकालते हैं यहाँ से। समझ लीजिए कि आप दोस्तों अंदर अंदर जाएगा आप 5 इंच इधर 5 इंच इधर गैप रखते हैं, 10 इंच रखते हैं बीच में गैप, या आप एक एक फुट करके 1 फुट इधर 1 फुट इधर 2 फीट भी रख सकते हैं गैप, आप जगह के अनुसार बनाइए, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, देखिए अपना जगह के अनुसार बना रहे हैं। तो इतना गैप इसको छोड़ते हैं और 1 2 1 2, ठीक है दोस्तों ये मेरा गैप आएगा दोनों, ठीक। अब देखिए फार्मा को फिटिंग कैसे करना है, फार्मा को फिटिंग कैसे करना है, देखिए कि जैसे कि मैं इस पे रखूंगा और इसको मेरा जगह यहाँ तक आ रहा है, तो इतने से जगह से हम घुमाऊंगा, ठीक है हम यहीं से घुमाएंगे जब मेरा जगह इतना आ रहा है, तो यहाँ से, ठीक है पकड़। देखिए दोस्तों जहां तक जाता है इसको लेके जाना है, पहले आपको ये जहां तक जाए पर्ची पट्टी वहां तक आपको लेके जाना है, ठीक है। अब वैसे ही दोस्तों अब तो ये फार्मा एक बार फिट हो गया, तो इसको भी ऐसा हम करके यहाँ पे रखेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया मेरा सेंटर इसका, ठीक है। अब यहाँ से रख के इसको भी हम आराम से ये जहां तक जाता है अपना पूरा पूरा घुमा लीजिए, वो ऑटोमेटिक जो है जहां से कट जाएगा आप उतना तैयार कर लीजिएगा। ये तो दोस्तों इतना घुमा दिए, अब क्या करना है दोस्तों कि इसी फार्मे से आपको आगे पीछे फार्मे करने की जरूरत नहीं। अब इसका देखना है थिकनेस, आपको थिकनेस कितना चाहिए, ठीक है आपको थिकनेस देखना है। तो थिकनेस हम रखते हैं कि जैसे कि उसका पट्टी के चौड़ाई हमको देखना है कितना हमको चाहिए, ठीक है। चौड़ाई हम रखते हैं इसका पट्टी का, चलो हम इतना रखते हैं, ज्यादा चौड़ाई आप अपने अनुसार से रख सकते हैं जितना चौड़ाई चाहिए। चलिए यहाँ से ये आ गया, ठीक है। और आपको दोस्तों ये भी ध्यान देना है चौड़ाई रखते समय कि आपका जगह कितना जो है बच रहा है, ठीक है। ये हो गया, मैं पहले यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, यहाँ पे निशान लगा दिया हमने। अब दोस्तों जितना ये निशान लगाया है हमने, इस निशान को नापेंगे और फिर यहाँ से अंदर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको नाप लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमको नापने का रीजन यही था दोस्तों कि जैसे कि हम फिट कर लेते हैं फार्मा उतने पर, आप इंची टेप से नाप लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम नापने का रीजन ये था कि देखिए दोस्तों अगर जब हम यहाँ से इसको घुमाते हैं तो जब इधर घुमाएंगे तो मेरा ये वाला जो निशान है यहाँ पे इसके बीच में ना आए, ठीक। अगर थोड़ा सा मान लीजिए दोस्तों हम बड़ा कर लेते यहाँ तक कर लेते, ठीक है, तो जब इधर से हम घुमाते हैं तो ये वाला मेरा पेंसिल इसके ऊपर चला जाता, कील के ऊपर चला जाता जहाँ पर हम लोग कील लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप लोगों को रखना है तो अपना कील नाप के रखिएगा। ये नहीं कि दोस्तों बनाने समय आपने कुछ बड़ा ही डिजाइन बना दिया, आपका कील जो है कील और पेंसिल दोनों एक ही जगह पर चला गया, ठीक है। तो वो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया मेरा यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया था इसको, तो देखिए ये भी जितना कील पर बच रहा है यहाँ पे उतना उधर भी बच रहा है उतना, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों इतना जो डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आपको गैप है, ठीक है, तो गैप है तो गैप आपको रखनी है, जैसे कि हम गैप रखते हैं इसका, आप 1 फीट रखिए 8 इंच रखिए, ठीक है। आप जैसे आपको अच्छा लगे
ठीक है, ऐसे गैप रखेंगे तो वहाँ पे तो बल्ला आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, पट्टी बना के ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये गैप आपका यहाँ पे आ रहा है, अब इतना ही गैप इधर से भी छोड़ेंगे हम। तो इसी से एक बार हम गैप कर देते हैं ताकि ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा गैप आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम पेंसिल तेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गया इतना आपका। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को बाला से ज्वाइन जो करना है, चलिए बाला का बाला निकालते हैं हम इसका। तो देखिए दोस्तों, हमने इस डिजाइन को पूरा बना के कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसमें आप लोगों को सिर्फ बाकी है कलर को डालना थोड़ा, तो हम जैसे डिजाइन में है वैसे कलर डाल देते हैं, फिर आप लोग देखिए इसको। तो आप इसी तरीके से इस डिजाइन को बनाइए। इस डिजाइन को बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।